नीलम ने देख लिया विक्रांत के आदमियों को और चोरों को, और विक्रांत का आदमी नीलम को मारने के लिए दौड़ेगा नीलम के पीछे और नीलम की जान पर आएगा बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब मलेश का ऋषि की एंगेजमेंट पार्टी रखी जाएगी, तभी मलेश का एक पल भी ऋषि को नहीं छोड़ेगी। तभी आयुष शालू मिलकर डांस पार्टी रखेंगे, जिसे देखकर मलेश का काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। और जब डांस पार्टी होगी और पूरी पार्टी में अंधेरा हो जाएगा, तभी किसी को पता ना चले ऐसे विक्रांत के आदमी और सारे चोर घर में आ जाएंगे। जहाँ पर जब नीलम लक्ष्मी को ढूंढने के लिए ऊपर सारे कमरे में जाएगी और कमरे का दरवाजा खोलेगी, तभी उस कमरे में से और कोई नहीं बल्कि विक्रांत के सारे चोर निकलेंगे, जो घर में पूरी तैयारी के साथ चोरी करने आए होंगे। जहाँ पर विक्रांत के सारे चोरों की नजर नीलम पर पड़ेगी और चोरों का बॉस जब विक्रांत को फोन करेगा और विक्रांत को कहेगा कि चोरी और हमारे मकसद को पूरा करने से पहले ही यहाँ पर कोई औरत ने हमें देख लिया है, तभी यह सुनकर विक्रांत कुछ भी सोचे बिना कह देगा कि उसे मार दो वरना हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। यह सुनकर तभी चोरों का बॉस नीलम को मारने के लिए ऑर्डर दे देगा। जहाँ पर जब नीलम चोरों को कहेगी कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर इस कमरे में क्या कर रहे हो, तभी यह सुनकर विक्रांत का आदमी चप्पू यानी कि नाइफ निकाल कर नीलम को कहेगा कि जल्दी तुझे पता चल जाएगा कि हम लोग कौन है। ये नीलम सुनकर और चप्पू को देखकर नीलम मन में डर जाएगी और अपनी जान बचाने के लिए नीलम भागने लगेगी। जहाँ पर नीचे पूरी पार्टी में अंधेरा होने की वजह से आयुष शालू ऋषि लक्ष्मी को एक करने के लिए लक्ष्मी को पार्टी में नचाएंगे और आयुष ऋषि को लक्ष्मी के पास डांस करने के लिए ले जाएगा। और जैसे ही जब ऋषि लक्ष्मी आमने सामने आएंगे, तभी ऋषि लक्ष्मी एक दूसरे को गले लगाकर डांस करेंगे और ऋषि से दूर मलेश का को आयुष ले लेगा और मलेश का आयुष के साथ डांस करेगी और मलेश का आयुष को कहेगी कि ये सब तुम्हारा किया धरा है ना। तभी सुनकर आयुष हंसने लगेगा और ऋषि की माँ नीलम के पूरी पार्टी में मलिश्का को कहीं पर ना दिखाई देने की वजह से जब मलिश्का नीलम को ढूंढ रही होगी और लक्ष्मी मलिश्का को परेशान होते हुए देखेगी और मलिश्का के पास जाएगी और लक्ष्मी मलिश्का को कहेगी कि मलिश्का क्या हुआ। तभी यह सुनकर मलिश्का कहेगी तुमसे कोई मतलब, मैं नीलम आंटी को ढूंढ रही हूँ, वो कहीं नहीं मिल रही। यह सुनकर लक्ष्मी को काफी बड़ा शौक लगेगा और लक्ष्मी मलिश्का के साथ नीलम को ढूंढने के लिए ऊपर कमरे में चली जाएगी। जहाँ पर पूरे घर को लूटने आए हुए सारे चोर यानी कि विक्रांत के आदमी जब नीलम पर चाकू से हमला करने वाला होगा, तभी लक्ष्मी पीछे से आकर विक्रांत के आदमी का अचानक से हाथ पकड़ लेगी और विक्रांत के आदमी के हाथ में सो से मारकर चाकू को गिरवा देगी और लक्ष्मी नीलम की जान बचाती हुई चोर को कहेगी दूर हटो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम पर हाथ उठाने की। यह सुनकर विक्रांत के आदमी यानी कि चोर डर जाएगा और नीलम को लक्ष्मी के अपनी जान बचाने की वजह से नीलम को अपने सारे किए का एहसास होगा। जहाँ पर जब नीलम सो से ऋषि चिल्लाकर बुलाएगी ऋषि को और तभी जब ऋषि पर आ रहा होगा और लक्ष्मी ज्यादा देर तक चोरों को संभाल नहीं पाएगी, तभी पीछे से एक चोर आकर लक्ष्मी को डबोच लेगा और लक्ष्मी और नीलम दोनों को पकड़ लेगा और ऋषि अपनी माँ नीलम और लक्ष्मी दोनों की जान को खतरे में देखेगा और कैसे भी करके ऋषि लक्ष्मी और नीलम की जान बचा लेगा। जिसके बाद जब करिश्मा बुआ और मलिश्का लक्ष्मी पर उल्टा इल्जाम लगाएगी, तभी नीलम भी मलिश्का करिश्मा बुआ के साथ हो जाएगी और लेकिन नीलम को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए क्या नहीं। और लक्ष्मी के आगे नीलम की जान बचाने के बावजूद अगर नीलम लक्ष्मी कोई इज्जत करेगी तो ऋषि को लक्ष्मी का हाथ पकड़ के घर छोड़कर चले जाना चाहिए क्या नहीं। और आप ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी को एक होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।